अतुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे और पानी देखो बिल्कुल एकदम क्लीन है। ये देखो पहाड़ के पांव दिख जाएंगे नीचे। ओ बैठेगी, ओ बैठेगी, ओ भयंकर के ये भाई को बताओ बताओ बताओ। और कुछ ऐसे नज़ारे रहेंगे भाई यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज जिस जगह जाने वाले हैं उसका नाम है सिला की चौकी। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, देहरादून में बोले तो ट्रेंडिंग पे है। तो चलो चलते हैं और घूम के आते हैं प्यारी जगह। और जगह का नाम मुझे भी सही से अभी तक पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं हम। ये देखो भाई साहब, इनको देख के तो भाई क्या ही बोले, पर चलो कोई नहीं। तो बहुत ही प्यारी जगह है यार, और आज जो है धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है भाई, तो मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और ये अभी जो है थानों वाली रोड पे चल रहे हैं हम, यहाँ से अभी थानों हम पहुँचेंगे। इस साइड आने को जो है ना गर्मियों में मज़ा ही कुछ और है एकदम, जो है यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो जिस जगह हम जा रहे हैं वो जो है थानों से आगे है भोपुर, उस साइड पड़ता है। मैं भी वैसे पहली बार ही जा रहा हूँ, बट मैंने उसके जो है ब्लॉग वगैरह में देखा और बहुत ही सुंदर सी जगह है, तो मज़ा आएगा यार, चलते हैं। और अभी जो है ना मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जो है एक प्यारा सा टाइम लैप्स दिखाता हूँ। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? तो गाइज अभी हम आ गए हैं यार, मेरी जो फेवरेट लोकेशन है इस रास्ते की। और ये देखो सामने क्या प्यारा लग रहा है ये। इस नदी में भी जो है बहुत ज़्यादा पानी आता है भाई, जब मॉनसून का वो रहेगा टाइम तब दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखो ग्रीन ग्रीन जो है ना, ये पैरेट ग्रीन में जो वो लग रहे हैं पेड़ ना, कितने प्यारे लग रहे हैं हरे कलर में, पैरेट ग्रीन वाला जो। और यहाँ पे जो है ना आम बड़े मिलते हैं भाई, अभी जब आम का सीज़न आएगा ना, ये देखो यहाँ से मैं लेके भी गया था। लेफ्ट में देखो ये सारे आम का ही बगीचा है, राइट में भी। और इसी के जाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो यही वाला रास्ता, 80 रुपये का टोल टैक्स बचाने के लिए। ये जगह बड़ी प्यारी लगती है यार, बड़ी सिनेमैटिक है। थानो यहाँ से लिखा हुआ है 4 किलोमीटर भाई। और हाँ सही में हाथी बड़े मिलते हैं भाई इस रोड पे, यहाँ पे आपको जो है हाथी ज़रूर मिल जाएंगे, पर अभी तो नहीं लगता मुझे, अभी नहीं है इनका सीज़न, हो सकता है मिल भी जाए। और ये देखो रोड, देखो भाई रोड देखो सामने, वाह है ना मज़ेदार मज़ेदार। हाँ जी, तो ये देख लीजिए यहाँ से अगर हम राइट जाएंगे तो ये जाएगा एयरपोर्ट के लिए, सीधा जाएगा भोपुर के लिए, और लेफ्ट में भी हमें कहीं जाना नहीं है। तो ये देखिए राइट के लिए चले गए हैं एयरपोर्ट के लिए, बट हमें चलना है सीधा स्ट्रेट लाइक एन एरो। तो गाइज ये हमारा जो है भोपुर से जो चढ़ाई ऊपर की तरफ लगती है उससे पहले एक पुल आता है जैसे कि आप देख ही सकते हो, और हमें जाना है लेफ्ट के साइड, तो आगे से हमें जो है लेफ्ट लेना है। ये देखो ये साइड वैसे दिख तो रहे हैं काफ़ी सारे लोग, और ये रहेगा हमारा यहाँ से लेफ्ट। तो यार यहाँ तक गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से हम गाड़ियाँ छोड़ के अब चलेंगे पैदल। अब क्योंकि ऐसा रास्ता रह गया भाई थोड़ा सा, मुझे लगता है पैदल पैदल का रास्ता, बाकी चलो चलते हैं आगे की ओर, कुछ दिख तो रहा नहीं ऐसे में। तो यार हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये दिस इज़ नो मोर हिडन। अब देखते हो यहाँ पे जो है कुछ ऐसी जगह दिखती है ये। I won't stop till I hear him say हाँ भाई, तो अब टाइम आ चुका है पानी में कूदने का, पर कूदने का तो डर लग रहा है मुझे, पहले मैं ऐसे नहीं नॉर्मली जाता हूँ।
यार यहाँ पे मुझे लगता है फिसलन ज़्यादा होगी। बचा लियो भाई अगर मैं निकल लिया कैमरा लेके तो मैं कूद जाऊँ पर नहीं 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 अतुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, घंटे को फाड़ दो, घंटे को फाड़ दो। ओ बेटे की इधर से आ। ओ बेटे की सही बेटा लग रहा भाई यहाँ तो। यो अब पहुंच गए भाई, अब जिंदा बच गए भाई। Play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion. तो ये जो hidden place था, अब जो है hidden नहीं रह गया है. As you can see, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा public भी है, वो आराम से इसको viral कर दिया गया है. और कुछ ऐसे नज़ारे रहेंगे भाई यहाँ पे. पानी बिल्कुल साफ है, छोटी छोटी इसमें मछलियाँ भी देखने को मिल रही हैं भाई. और ये बेटे की ये देखो भाई, हाँ चले गया भाई, तो जींस पहन के चले गया. ये देखो ये ऊपर ऊपर तो कूद रहे हैं भाई, 20-20 फीट की उससे. ओ बेटे की भैंस की आँख, ओ बेटे की ओ भयंकर के. कहाँ गया अब ऐसे मत कर ऐसे यार. ओ बेटे की GoPro में बहुत छोटी जगह दिख रही है, पर ये देखो फोन से सही दिखता है भाई, खूब बड़ा बड़ा. और पानी देखो बिल्कुल एकदम क्लीन है. ये देखो पहाड़ के पांव दिख जाएंगे नीचे. सो यार अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, और चलते हैं इस खूबसूरत जगह को टाटा बाय बाय कह के. अभी ये देखो वहाँ पे बहुत पब्लिक है, बाकी बढ़िया जगह है यार, आ सकते हो आप यहाँ पे घूमने के लिए. और गर्मियों में तो मज़ेदार मज़ेदार.